हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। दिस इज संजीव फ्रॉम डिजिटल संजीव। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ यू कैन रजिस्टर योर मोबाइल नंबर विद योर वोटर कार्ड ऑनलाइन स्टेप बाय स्टेप। सो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा बगैर स्किप किए। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले फिर से एक बात आपसे कहना है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल ऑन यूट्यूब एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल, नेवर टू मिस एन अपडेट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वोटर कार्ड के साथ अपनी मोबाइल नंबर को लिंक करने के लिए आपको पीसी में आकर के कोई भी ब्राउजर को ओपन कर लेना है और इस वेब पोर्टल पर चले आना है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल दिए हैं। ये है नेशनल वोटर सर्विसेज का वेब पोर्टल, जहां पर आपको कई सारे सर्विसेज का टैब्स देखने को मिलेगा, जिनमें से आपको इस वोटर पोर्टल का बीटा वर्जन वाला टैब के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही नेक्स्ट पेज पर आपको लॉगिन कर लेना है अगर आप पहले से ही अपना अकाउंट बना कर रखा है। बट इफ यू डोंट हैव एनी अकाउंट, देन यू हैव टू क्लिक ऑन क्रिएट एन अकाउंट ऑप्शन। कैसे ये नया अकाउंट बनाए जाते हैं उसे जानने के लिए आपको ऊपर आई बटन पर दिए गए लिंक को क्लिक करके उस वीडियो को देख लेना होगा। जैसे कि मेरे पास पहले से ही अकाउंट है, तो चलिए उस डिटेल्स को फिल करके लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन पर क्लिक करते ही वोटर पोर्टल का पेज ओपन हो जाएगा कुछ ऐसा इंटरफेस के साथ, जहां पर चारों ऑप्शंस का टैब देखने को मिलेगा, जैसे कि न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन, करेक्शन इन वोटर आईडी, डिलीशन ऑफ वोटर आईडी एंड आधार लिंकेज। इनमें से करेक्शन इन वोटर आईडी ऑप्शन के ऊपर आपको टैप कर देना है। वोटर मित्र का पेज खुल जाएगा, जहां पर आपको नीचे दिए गए लेट्स स्टार्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। अगला पेज पर आपको पूछा जाएगा कि आपके पास वोटर आईडी नंबर है या नहीं। जैसे कि मेरे पास वोटर आईडी नंबर मौजूद है, इसलिए मैं यस आई हैव वोटर आईडी नंबर के ऊपर टैप कर देते हैं। टैप करते ही उसी के ठीक नीचे आपको अपना वोटर आईडी नंबर बैठा के फेच डिटेल्स के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपका वोटर आईडी का डिटेल्स ये देखिए मिल गए हैं और आपको प्रोसीड के ऊपर क्लिक करने के लिए कह जा रहा है। प्रोसीड के ऊपर क्लिक करते ही नेक्स्ट पेज पर आपका दिए गए वोटर आईडी नंबर का डिटेल्स दिखाई देगा, जैसे कि बाएं तरफ नेम, जेंडर, स्टेट, एपिक नंबर के साथ सीरियल नंबर और दाएं तरफ पेरेंट या फिर स्पाउस नेम, एज, असेंबली कंस्टिट्यूएंसी यानी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी यानी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, पार्ट नेम और पोलिंग स्टेशन। इन डिटेल्स को चेक करने के बाद यू हैव टू टैप ऑन सेव एंड कंटिन्यू। टैप करते ही नेक्स्ट पेज पर आपको करेक्शन करने का रीजन दर्शाना होगा, जैसे कि शिफ्टिंग ऑफ रेसिडेंस, दो नंबर पर करेक्शन ऑफ एंट्रीज इन एग्जिस्टिंग इलेक्टोरल रोल, तीसरे नंबर पर है इश्यूज ऑफ रिप्लेसमेंट एपिक विदाउट करेक्शन और आखिर में रिक्वेस्ट फॉर मार्किंग एज पर्सन विद डिसेबिलिटी। इनमें से मुझको दो नंबर वाला ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है, एज आई एम गोइंग टू रजिस्टर माय मोबाइल नंबर विद वोटर कार्ड। सिलेक्ट करने के बाद यू हैव टू क्लिक ऑन सेव एंड कंटिन्यू। क्लिक करते ही एक पॉपअप शो होने लगेगा वेयर यू नीड टू अपडेट योर मोबाइल नंबर एंड फॉर दैट You have to enter your mobile number over here and click on send OTP. क्लिक करने से एक OTP भेज दिए जाएंगे आपके एंटर किए गए मोबाइल नंबर पर, जिसे आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। 6 डिजिट वेरिफिकेशन कोड को एंटर करके आपको जो है वेरीफाई के ऊपर क्लिक कर देना होगा। ऐसा करते ही नेक्स्ट पॉपअप पर आप देख पाओगे कि योर मोबाइल नंबर इज वेरीफाइड। इसके बाद जो अगला पेज आएगा, वही पे आपको दिए गए 8 ऑप्शंस में से किसी 4 को सिलेक्ट करना होगा, जो कि मैक्सिमम है, जैसे कि नेम, एज या फिर डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फोटोग्राफ, नेम ऑफ रिलेटिव, टाइप ऑफ रिलेशन, एड्रेस करेक्शन और
मोबाइल नंबर करेक्शन। जैसे कि मैं मोबाइल नंबर को वोटर कार्ड के साथ रजिस्टर करने जा रहा हूँ, दैट्स वाई आई हैव टू सिलेक्ट द मोबाइल नंबर करेक्शन एंट्री एंड टैप ऑन सेव एंड कंटिन्यू। नेक्स्ट पेज पर यू हैव टू एंटर द डिटेल्स व्हिच नीड टू बी करेक्टेड और चेंज्ड। लेकिन उससे पहले आपको आधार कार्ड के बारे में और एक जानकारी देना है। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो यू हैव टू टिक यस आई हैव आधार ऑप्शन, और अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो यू हैव टू टिक ऑन द नेक्स्ट ऑप्शन जहां पर लिखा है आई एम नॉट एबल टू फर्निश माई आधार नंबर बिकॉज आई डोंट हैव आधार नंबर। जैसे कि मेरे पास आधार नंबर है इसलिए मैं पहले ऑप्शन पर टिक किए देते हैं। टिक करते ही उसी के ठीक नीचे एंटर योर आधार नंबर का फील्ड दिखाई देगा जहां पर आपको अपना आधार कार्ड नंबर बैठा देना है, और उसी के ठीक नीचे जैसे कि आप देख पा रहे होंगे जो मेरे को करेक्शन कराना था रजिस्टर करने के लिए वही मोबाइल नंबर करेक्शन का फील्ड मोबाइल नंबर के साथ दिखाई दे रहा है। तो यहीं पे आपको कुछ नहीं करना होगा बल्कि स्क्रॉल डाउन अ लिटिल बिट एंड टैप ऑन सेव एंड कंटिन्यू। टैप करते ही जनरल डिक्लेरेशन का एक पेज आ जाएगा जहां पर डेट जो कि ऑटोमेटिकली फिल अप करके आ चुके हैं, उसके बाद आपका प्लेस और आपका यानी एप्लीकेंट का नाम को एंटर कर देना है। एंड फाइनली यू हैव टू क्लिक ऑन सेव एंड कंटिन्यू। सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करते ही फॉर्म 8 का पेज ओपन हो जाएगा विथ ऑल इट्स डिटेल्स जिसको आप अभी अभी फिल कर रहे थे, जैसे कि नेम ऑफ द एप्लीकेंट, एपिक नंबर, आधार नंबर और मोबाइल नंबर जैसा डिटेल्स। अब आपको नीचे की तरफ आना है जहां पर आप डेट, प्लेस और सिग्नेचर को भी देख पाओगे जैसे आप फिल किए थे उसी के अनुसार। हाँ, एक बात आप लोगों से कहना है और वो है मोबाइल नंबर को रजिस्टर करने के लिए फॉर्म के साथ कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करना नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से सब फील्ड्स को चेक कर लेने के बाद यू हैव टू क्लिक ऑन सबमिट। क्लिक करते ही नेक्स्ट पेज पर आपको कंग्रेचुलेशंस कह जाएगा फॉर सक्सेसफुली सबमिटिंग द एप्लीकेशन इन इलेक्टोरल रोल, और उसी के साथ आपको एक रेफरेंस आईडी भी दी जाएगी जिसे आपको कॉपी या फिर नोट डाउन करके रखना है टू ट्रैक द एप्लीकेशन स्टेटस लेटर। तो चलिए इसको कॉपी करके होम पेज पर बैक जाते हैं। और ऊपर में दिए गए ऑप्शंस में से ट्रैक स्टेटस का डाउन एरो को क्लिक करके एप्लीकेशन टैब को सिलेक्ट कर लेना है और रेफरेंस आईडी को एंटर करके ट्रैक योर स्टेटस के ऊपर क्लिक कर देना है। ऐसा करते ही ये देखिए आपका एप्लीकेशन स्टेटस दिखाई दे रहा है विथ रेफरेंस आईडी, और उसी के नीचे जैसे कि आप देख रहे होंगे चारों स्टेप्स को दिखाई दे रहा है जिनमें से सबमिटेड का जो पहला स्टेप है वो कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन और जो तीनों फील्ड्स है वो अभी भी बाकी है। जैसे कि इसके बाद बीएलओ को अपॉइंट किया जाएगा, देन फील्ड्स को वेरीफाई की जाएगी एंड एट द एंड फॉर्म को एक्सेप्ट या फिर रिजेक्ट की जाएगी। तो फ्रेंड्स, इस स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप भी अपना मोबाइल नंबर को वोटर कार्ड के साथ लिंक या फिर रजिस्टर कर पाओगे। If the video was helpful to you, drop a like, leave a comment in the comment section below, and at the same time, don't forget to subscribe to my channel on YouTube and hit the notification bell to get the latest updates. आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नया वीडियो के साथ। तब तक के लिए goodbye and take care.